हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक रेसिपी लेके आए हैं फ़िश का, जो हम एकदम कम ऑयल में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एकदम कम, लगभग एक ड्रॉप। अभी साथ ही साथ हम इसमें थोड़े से सफ़ेद राई के सीड्स और मेथी दाना डालेंगे। साथ में हम इसमें अनियन डाल देंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज ऑनियन लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। अभी हम इसको तलाएंगे जब तक कि ऑनियन फ्राई नहीं हो जाते। अभी मैं इसमें एक टीस्पून लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है। अभी हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि ऑनियन अपना कलर चेंज नहीं करते। इसको तब तक आप लो फ्लेम पे फ्राई करते रहिए। फ्रेंड्स, अभी ऑनियन जो है वो कलर चेंज कर चुका है। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून चिली पाउडर। आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद हो तो। और थोड़ा सा आधा टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे, क्योंकि ये पूरा ड्राई हो चुका है। हम इसको 1-2 मिनट फिर से भूनेंगे, ताकि इसका कच्चा मसाले का टेस्ट चला जाए। देखिए, अभी प्याज जो है ये गल चुका है, और अभी हम इसमें फिश ऐड कर देंगे। फिश जो है ये रोहू फिश जो है उसके पीसेस है। मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था हल्दी और नमक में, मैरिनेट कर दिया। अभी हम फिश के पीसेस ऐड करेंगे। और अभी लगभग थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर पका लेंगे। अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, लगभग 1.5 कप पानी। जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा ड्राई फॉर्म में हमें पसंद है तो कोई बात नहीं, आप ड्राई भी इसको बना सकते हैं। देखिए, हमारा फिश करी जो है वो अभी पूरा तैयार है। अभी हम इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े धनिया पत्ता से। सीजनल है अभी धनिया पत्ता, तो हर चीज़ में अच्छा लगता है। तो आप भी एक बार ये फिश मसाला करी ट्राई कीजिए। बहुत हेल्दी है, एकदम कम ऑयल में, लेकिन खाने में इतना ही टेस्टी लगेगा आपको। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको। मैं इसको और 2 मिनट के बाद ऑफ कर दूँगी। हमारा फिश करी अभी तैयार है, मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। तो कितना जल्दी बन गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको प्रिपेयर करने में। आप लोग एक बार इसको ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।